नमस्कार दोस्तों, कैट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संगणक भर्ती परीक्षा को लेकर, यानी कि कंप्यूटर जो आपका एग्जाम हो चुका है कंप्यूटर का कल, यानी कि 3 मार्च को, ठीक है। पेपर का लेवल कट ऑफ इन सभी की यहाँ पे बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो आज ही की न्यूज़ है वो आप देख लीजिए। संगणक भर्ती परीक्षा पेपर आसान रहा, जिन्होंने तैयारी की वही परीक्षा देने पहुँचे। 70% तक जा सकती है कट ऑफ, इसके बारे में कहा गया है। आप सभी ने अपनी जो आंसर की है वगैरह ऑलमोस्ट मैच कर ली होगी यूट्यूब वगैरह से, यहाँ वगैरह से जो भी है, तो कमेंट बॉक्स में अपना जो स्कोर वगैरह है एक बार बता दीजिए कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। कार्ड पीट कर आपके लास्ट में जो भी बच रहे हैं वो आप बता दीजिए कमेंट में। तो इसमें क्या कहा गया है कि इस परीक्षा में सिर्फ उन्होंने ही परीक्षा दी है, उन्होंने ही रुचि दिखाई है, उन्हीं परीक्षार्थियों ने रुचि दिखाई है जिनकी पेपर में तैयारी थी, ठीक है। तो ये अजमेर की बात हो रही है। तो 56% तक जो अभ्यर्थी है अनुपस्थित रहते और 44.20% अभ्यर्थी परीक्षा दी थी, ये बात करें अजमेर की। लोग पूरा डिटेल में बता दूंगा हर एक जगह की। कट ऑफ 70% से अधिक जाने की संभावना जताई जा रही है। परीक्षा देकर लौटे अभ्यर्थी का कहना ये था कि पेपर सरल था और अभ्यर्थी अधिकांश प्रश्नों का हल करने में सफल रहे थे, ठीक है। और इसमें जीके वगैरह के क्वेश्चन वगैरह के बता रखे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं टोटल अटेंडेंस की, ठीक है। पेपर का लेवल की बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे, एक बार ध्यान से इन चीज़ों को सुनते जाइएगा। कंप्यूटर 2023, ठीक है, ये आपका मॉर्निंग का पेपर था। टाइमिंग आप यहाँ पे देख ही सकते हो, सुबह 10 से 12 बजे तक का, ठीक है। तो इसके अंदर हर एक जिले का बता रखा है, टोटल 8 जगह पे हुई थी। 180,127 टोटल यहाँ पे कैंडिडेट थे, है ना, जिन्होंने आवेदन किया था 180,127। उनमें से मात्र 85,471 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी है। तो टोटल अगर मैं बात करूँ ओवरऑल 47.45% अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी है, यानी कि लगभग 53% जो अभ्यर्थी है उन्होंने परीक्षा ही नहीं दी है, है ना। 50% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा अभ्यर्थी एबसेंट हो चुके हैं, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये तो हो गया टोटल इनकी चीज़ों। बात करते हैं आप पेपर के लेवल की, ठीक है। मैं आपको पेपर के लेवल की यहाँ पे बात कर बता देते हैं, साथ में बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखिए पेपर के लेवल की बात करूँ, ईजी और हार्ड ये दोनों शब्द नहीं कह सकते यहाँ पर, क्योंकि इतना ईजी नहीं था जितनी कहेंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा ईजी होता तो 80-90% तक कट ऑफ जा सकती थी, और बहुत ज़्यादा हार्ड होता तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो रह जाती। तो क्वेश्चंस कुछ इजी भी थे, कुछ हार्ड भी थे और मॉडरेट भी थे। तो बेसिकली हम इसे मॉडरेट लेवल का पेपर कह सकते हैं, है ना, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी थे, तो वो सभी चीज़ें इसके अंदर आपके सांख्यिकी, इकोनॉमिक्स, मैथ, कंप्यूटर, राजस्थान जी के करंट अफेयर्स, इन सभी के क्वेश्चंस थे। तो उन सभी को देखते हुए अब आपकी एक फाइनल चीज़ यहाँ पे बता देते हैं पदों के बाद। देखिए जो भी कट ऑफ बनती है ना, जो भी कट ऑफ सेफ स्कोर बनती है, बेसिकली वो पदों को लेकर होती है, उपस्थिति को लेकर होती है, यानी कि कितनी अटेंडेंस रही है अभ्यर्थियों की, साथ साथ पेपर लेवल को देखकर। तो उपस्थिति बहुत कम रही है, पेपर का लेवल भी ठीक था, है ना, मॉडरेट के आसपास था। और पदों की बात करें तो पद 583 इसके अंदर पद है, ये आप सभी को पता है ना। नॉन टीएसपी के 512 है और टीएसपी के 71 आपके पद है। तो ये पदों की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ की। कैटेगरी वाइज बता दूंगा, मेल फीमेल दोनों की बताएंगे। टीएसपी कैटेगरी की भी बात करूंगा, फिजिकल हैंडीकैप्ड, स्पोर्ट्समैन, जो भी अदर कैटेगरीज होती है ना, शहरिया वगैरह, एक्स सर्विसमैन, उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। डिटेल में सुनते जाइएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं जनरल कैटेगरी की सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए जनरल कैटेगरी की कहीं ना कहीं, जैसे एक वीडियो तो मैंने कल बना ही दिया था इन सभी का कट ऑफ का, तो काफ़ी दोस्त उससे सहमत भी थे। अब यहाँ पे बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि 68 से लेकर 70 के आसपास तक जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे मैं 70 लिखता हूँ और प्लस माइनस 3 करते हैं, यानी कि 3 कम भी जा सकती है, 3 ज़्यादा भी जा सकती है ना। 67 से लेकर 73, इसका हम टोटल एक एवरेज ले लेते हैं। तो इसके बीच में या इसके आसपास आपका स्कोर है ना, तो आप एकदम सेफ जोन में हो। वहीं अगर जनरल फीमेल की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये 67-68 के आसपास जा सकती है, और ये 70 तक वेरी कर सकती है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है उन एग्ज़ाम्स में जिनमें मेल फीमेल के जो कैंडिडेट है वो आसपास रहते हों, है ना। अब देखिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, हाँ खासकर दो दो की बात करते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये दोनों ही जो कैटेगरी है वो कहीं ना कहीं जनरल के साथ आसपास फाइट करेगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो वो तो कहीं ना कहीं देखिए आपकी जनरल के आसपास फाइट कर लेगी। ये भी मैं बात करता हूं, ये चलिए 69 का कर लेते हैं और प्लस माइनस 2 से 3 मार्क्स का वैरी रखते हैं यहाँ पे,
ठीक है। और इसी के अंदर अगर मैं फीमेल की बात करूं AWS की, तो वो लगभग 67 से 69 या 70 तक के रहने की उम्मीद है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा फीमेल में, मैं बार बार यही चीज़ आपको कह रहा हूँ। बात कर रहा हूँ मैं OBC की, तो OBC कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में रह सकती है इस बार, क्योंकि इस बार OBC में उतने कैंडिडेट्स नहीं थे, ठीक है, 68 के आसपास रह सकती है, प्लस माइनस 3 हम करते हैं। और वहीं बात करते हैं इसी की फीमेल की, OBC फीमेल की, तो कहीं ना कहीं 65 से लेकर 68 के बीच में ये मार्क्स आपके वैरी कर सकते हैं। SC ST की बात करूँ, तो दोनों ही चीज़ों में बात करूँ ना SC और ST की, तो कंबाइंड आपको चीज़ बता देता हूँ कि 65 के आसपास, 65 प्लस माइनस 3 कर लीजिए आप, 65 से 3 ऊपर या 3 नीचे, उसके पास इसकी सेफ स्कोर रह सकती है। MBC की बात करूँ, MBC कैटेगरी कहीं ना कहीं OBC से आप 1 या 2 मार्क्स कम कर सकते हैं, ठीक है, तो 66 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं हम इसको, तो ये आपकी रह जाएगी। और इसी में अगर मैं बात करूँ, देखिए SC ST में फीमेल की बात करूँ ना, तो 60 से लेकर 63 इसके बीच में रह सकती है, 60 से 63, ठीक है, SC ST की। इसके बाद MBC की अगर मैं फीमेल की बात करूँ, तो 63 से लेकर 65 के बीच में कहीं ना कहीं ये वेरी कर सकता है। तो ये आपकी टोटल नॉन TSP की मैंने आपको सेफ स्कोर और कट ऑफ बता दी है, इसे आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसके आसपास अगर आपके मार्क्स बने रहे हैं तो आप एक बिल्कुल सेफ जोन में हो। ये एकदम सटीक आंकड़ा है, बहुत स्टूडेंट्स से फीडबैक लेने के बाद ये आंकड़ा बनाया गया है। सारी जो नॉलेज है वो इकट्ठी करके, पेपर का लेवल देख के, अटेंडेंस देख के, हर चीज़ को वेरी करके, हर चीज़ का एक सटीक आंकड़ा बना के फिर आपके सामने चीज़ें बता रहा हूँ, तो इन चीज़ों को आराम से देखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अदर कैटेगरीज की, एक पहले मैं TSP कैटेगरी की बात कर लेता हूँ, ठीक है। TSP की अगर मैं जनरल कैंडिडेट की बात करूँ ना कहीं, तो देखिए 60 प्लस तो जाएगी ही जाएगी, 60 से 65 के बीच में कहीं ना कहीं मार्क्स हैं, तो एकदम सेफ जोन में हो आप, ठीक है। SC ST कैटेगरी की बात करूँ तो कम से कम 55 प्लस तो चाहिए चाहिए, 55 से लेकर 60 के बीच में कितना भी आपके मार्क्स वेरी कर रहे हो ना, तो आप एकदम सेफ जोन में हो। TSP की बात हो गई। इन्हीं में अगर मैं फीमेल की बात करूँ, तो 2 से 3 मार्क्स और आप कम कर लीजिएगा, जो भी अभी मैंने बताई है TSP की, वो अपने फीमेल में 2 से 3 मार्क्स कम कर लीजिए। अब देखिए अदर कैटेगरीज की मैं बात कर लेता हूँ, बात करूँ अगर मैं फिजिकल हैंडीकैप्ड की, स्पोर्ट्समैन की, है ना, और इसके अलावा मैं बात करूँ अगर एक्स सर्विसमैन की, ये कुछ अदर कैटेगरीज हैं जिनके काफ़ी डाउट्स आते हैं कि सर इनकी आपने नहीं बताई, चलिए इनकी भी बात कर लेते हैं। तो फिजिकल हैंडीकैप्ड, स्पोर्ट्समैन और एक्स सर्विसमैन, पहले इन दो की बात कर लेते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड और स्पोर्ट्समैन की। तो देखिए फिजिकल हैंडीकैप्ड के अंदर भी अदर कैटेगरीज होती है, किसी की बहुत कम जाती है, किसी की ठीक ठाक जाती है। तो जिनकी बहुत कम जाती है उनका तो देखिए कोई वैरी बता नहीं सकता, क्योंकि वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे। लेकिन अगर रेंज की बात करें ना, तो 55 प्लस तो आप दोनों में मान सकते हो, जो मैंने आपको TSP की बताई है कहीं ना कहीं वो रह सकती है 55 प्लस, यानी कि 50 से 60 के बीच में, फिजिकल हैंडीकैप्ड और स्पोर्ट्समैन की। और इसी के साथ मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूँ ना, तो कहीं ना कहीं 55 के आसपास रहने की उम्मीद है, 55 प्लस माइनस आप 2 कर सकते हो, इसके आसपास कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ है वो वेरी कर जाएगी। तो ये पूरी की पूरी डिटेल है, विद्यार्थी कम थे इसके, इससे डिपेंड करेगा, इससे फर्क पड़ेगा आपकी कट ऑफ पे, क्योंकि काफ़ी कम विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है और नेगेटिव मार्किंग वगैरह ये चीज़ें अफेक्ट कर जाती है। ऑफिशियल जब आंसर की आती है उसमें भी आपको पता है कि 2 से 3 मार्क्स का हेर फेर हो जाता है, किसी किसी के तो 5 से 7 मार्क्स ऊपर नीचे चले जाते हैं। तो फाइनल जब कट ऑफ आएगी, सॉरी जो आपकी आंसर की आएगी, उसमें भी वेरी करेगा। और बात करूँ अगर आंसर की, तो कहीं ना कहीं जो इसकी आंसर की है वो आपको आचार संहिता से पहले पहले देखने को मिल सकती है, उसका कोई अपडेट आएगा तो वो भी आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल जो भी आपकी आंसर की आपने चेक की है उसके मार्क्स वगैरह एक बार लिख के रखिएगा, तो जब भी आंसर की आएगी ना, ऑफिशियल आंसर की, उससे एक बार ज़रूर मैच करना कितने मार्क्स आपके वेरी कर जाते हैं, 2 से 3 मार्क्स ऊपर नीचे ज़रूर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मात्र 47% अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी है, तो अटेंडेंस कम थी, पद भी अच्छे खासे हैं, 583 पद हैं, और पेपर का लेवल ठीक ठाक था, मॉडरेट था, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कह सकते कि 80 प्लस से ली जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं 70 के आसपास ये जो कट ऑफ का आंकड़ा है, 60 से 70 के बीच में है ना। अगर सभी कैटेगरीज की बात करूँ ना, चाहे SC ST की बात करूँ, जनरल EWS OBC MBC है ना, तो इन सभी की जो कट ऑफ वगैरह है वो 60 से 70 के बीच में वेरी कर सकती है मैक्सिमम, है ना, तो ये आंकड़ा रहेगा। इसके अलावा और कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट करें हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।